नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन संख्या 1075 नंबर जारी किया है, जिस पर देश में कहीं भी टीकाकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। ग्रामीण भारत में टीकाकरण के आवेदन के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण प्रौद्योगिकी के प्रमुख आर.एस. शर्मा ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रणाली समावेशी है। हमने 1075 कॉल सेंटर खोले हैं, जहां कोई भी कॉल और अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करने के लिए हमारे साथ भागीदारी करने वाले सभी सामान्य सेवा केंद्र काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि 45 से ज्यादा आयु वर्ग की आधी से अधिक आबादी वॉक इन पंजीकरण कर रही है और टीकाकरण करवा रही है। यह प्रणाली ही समावेशिता का पर्याप्त प्रमाण है। समस्या 18 से 45 आयु वर्ग में हो रही है, क्योंकि टीके की आपूर्ति कम है, यह अस्थायी समस्या है। वहीं कोविन के बारे में आर.एस. शर्मा ने कहा है कि व्यवस्था पारदर्शी है, चाहे VVIP हो या सामान्य नागरिक, हर कोई टीकाकरण के लिए रिक्तियों के एक ही डाटा को देख रहा है। यह लोगों को विश्वास दिलाता है कि सिस्टम किसी को कोई प्राथमिकता नहीं दे रहा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारी जागरूकता पैदा कर रहे हैं और ग्रामीण आबादी को टीकाकरण में सहायता कर रहे हैं। यह सामान्य अवलोकन करना कि ग्रामीण लोगों को टीकाकरण में छोड़ दिया जा रहा है, यह सही नहीं है, क्योंकि कहा था कि थर्ड पार्टी एकीकरण के लिए नीति की घोषणा की गई है और यह कोविन पर उपलब्ध है। हमने API को तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों के लिए बहुत ही पहले प्रकाशित किया था। राज्य सरकारें उनका उपयोग टीकाकरण के लिए ऐप बनाने के लिए करती हैं। ज्ञात हो कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने लोगों की मदद के लिए 4 हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए निजी TV चैनलों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय स्तर के इन 4 हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दें। इन 4 हेल्पलाइन नंबरों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय हेल्पलाइन संख्या 1075, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 शामिल है। यही नहीं, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान का हेल्पलाइन नंबर 08046110007 भी है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।